सो हेलो गाइस, सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 208 का ट्रेलर आ चुका है। तो चलिए हम इस ट्रेलर के फुटेज से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एपिसोड 208 में क्या क्या होने वाला है। ये एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में गॉड असुरा और राक्षसा गॉड की कुछ झलक देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ हमें तैंगसेंग के ग्रेट ग्रैंडफादर तैंगचिंग के ट्रायल्स यानी कि असुरा ट्रायल्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। इसलिए चलिए ट्रेलर को समझते हैं। तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें तैंगसेंग और तैंगचिंग को दिखाया जाता है। इस क्लिप में तैंगसेंग अपने सीगोर ट्राइडेंट के साथ खड़ा है और तैंगचिंग अपने असुरा डेविल स्लॉट के साथ, यानी कि आने वाले एपिसोड 207 में ही स्लॉटर किंग सीगोर लाइट के इफेक्ट से 900 ब्लड बैट किंग के डेंजरस लुक से बदल कर एक चार्मिंग और हैंडसम तैंगचिंग में बदल जाएंगे। इस ट्रेलर में तैंगचिंग के हाथ में जो डेविल स्लॉट दिखाया जाता है, जिसमें से बहुत तेज रेड लाइट निकल रही होती है, और तैंगसेंग इस डेविल स्लॉट के प्योर किलिंग इंटेंट को भी फील करने लगता है। इसके बाद तैंगसेंग असुरा डेविल स्लॉट के अटैक पावर को देखकर समझ जाता है कि तैंगचिंग का डेविल स्लॉट बड़ी आसानी से उसके सीगोर ट्राइडेंट को टक्कर दे सकता है। इसके बाद अगले क्लिप में तैंगचिंग अपने ट्रायल से जुड़ी बातें तैंगसेंग को बताने लगता है, यानी कि तैंगचिंग तैंगसेंग के हाथ में सीगोर ट्राइडेंट को देखकर ये समझ जाता होगा कि तैंगसेंग सीगोर का सक्सेसर है और वो बोसैक्सी को जरूर जानता होगा। इसलिए तैंगचिंग तैंगसेंग पर आगे अटैक नहीं करता है। और जब तैंगसेंग ये कंफर्म करता है कि वो बोसैक्सी को जानता है, तो तैंगचिंग खुश होकर अपने ट्रायल से जुड़ी बातें तैंगसेंग को बताता है। तैंगचिंग कहता है कि वो जब असुरा गॉड के स्लॉटर सिटी में आया था, तब असुरा गॉड ने उसके सॉल पावर और फिजिकल पावर से खुश होकर उसे असुरा गॉड का टॉप क्लास 9 ट्रायल ऑफर किया था और उन्हें अपना सक्सेसर चुन लिया था। इसके बाद जब तैंगचिंग ने गॉड असुरा के ट्रायल्स को एक्सेप्ट करके ट्रायल्स को कंप्लीट करना शुरू किया, तो कुछ ही सालों में उन्होंने 7 ट्रायल को पास करके गॉड असुरा के असुरा डेविल स्लॉट को भी हासिल कर लिया और इसके इस्तेमाल करने का भी हक उन्हें मिल गया था। तैंगचिंग आगे बताते हैं कि मेरे एक्सट्रीम लेवल की पावर और इतनी तेजी से प्रोग्रेस करता हुआ देखकर राक्षसा गॉड को जलन होने लगी थी, जिस वजह से राक्षसा गॉड को डर हो गया था कि कहीं मैं असुरा गॉड के 8 ट्रायल को पास करके सीधा असुरा गॉड की डिविनिटी हासिल ना कर लूं। इसलिए राक्षसा गॉड ने स्लॉटर सिटी के कैपिटल में आकर अपनी इविल थॉट्स का कुछ हिस्सा मेरे असुरा गॉड के 8 ट्रायल्स में डाल दिया था, जिस वजह से मेरा 8वां ट्रायल 2 गॉड्स के ट्रायल से मिक्स हो गया और मैं इस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाया और फिर मैंने खुद को खो भी दिया। शायद 8वें ट्रायल में फेल हो जाने के कारण मेरी बॉडी को 900 ब्लड बैट किंग ने कैद कर लिया था और मैं इतने सालों तक उसकी कैद में ही फंसा रहा। इसके बाद शायद तैंगचिंग को बोजैक्सी की याद आ गई होगी और फिर वो तैंगसेंग से विदा ले लेता है और सीगोर्ड आइलैंड की ओर निकल जाता है, क्योंकि अगले ही क्लिप में हमें ह्यूलिना को दिखाया जाता है, जो कि तैंगसेंग और स्लॉटर किंग के गॉड लेवल अटैक के इफेक्ट के कारण बेहोश हो गई थी। जब ह्यूलिना को होश आ जाता है और उसे अपने आसपास स्लॉटर किंग नहीं दिखाई देता है, तो वो तैंगसेंग से पूछती है कि क्या तुमने स्लॉटर किंग को मार डाला। तैंगसेंग ह्यूलिना को शायद इस बारे में नहीं बताता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर तैंगसेंग वहां से जाने लगता है। तभी शायद ह्यूलिना तैंगसेंग को स्टार द फॉरेस्ट की तरफ जाने से मना करती है, क्योंकि अगले ही सीन में हमें तैंगसेंग और शावू को स्टार द फॉरेस्ट की तरफ तेजी से जाते हुए दिखाया जाता है। तभी तैंगसेंग को कुछ फील होता है और वो शावू से कहता है कि स्प्रिट एम्पायर के कुछ पावरफुल सोल मास्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। जब तैंगसेंग अपने स्पिरिचुअल माइंड से जानने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि वो जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे टीचर किंग मिंग को ओल्ड घोष मास्टर ने मार डाला है। अब जब तैंगसेंग टीचर किंग मिंग के इस बेरहमी से भरे मौत का दृश्य देखता है, तो गुस्से से भर जाता है और फिर इसका रिवेंज लेने की कसम खाता है। और फिर तैंगसेंग और शावू फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी शावू को ह्यूलिना की बात याद आती है और वो तुरंत ही एक नतीजे पर पहुंचती है और तैंगसेंग को बताती है कि स्प्रिट एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स स्टार द फॉरेस्ट में दामिंग और आर्मिंग के लिए आए हैं। ये सुनकर तैंगसेंग शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि दामिंग और अर्मिंग की जान खतरे में है। अब तैंगसेंग और शावू बड़ी तेजी से दामिंग और अर्मिंग को बचाने के लिए स्टार द फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं और शावू कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके स्टार द फॉरेस्ट पहुंचना होगा। इसके बाद ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है।
सो आई होप गाइस कि आपको ये ट्रेलर अच्छी लगी होगी और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।